प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साहब जी, जागनी का ब्रह्मांड है। जागनी यात्रा के दौरान हम निकले हैं और आज ये तीसरा दिन है। पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से वैसे तो हमने जितना सुना है अभी, केवल उतने पर भी अमल कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक कहने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन फिर भी चूंकि राज जी ने हमें ये रास्ता दिखाया है कि सुंदर साथ एक बार में नहीं समझते, तभी तो सागर और श्रृंगार में खुद का श्रृंगार सात सात बार वर्णन कराया है ना, क्योंकि उनको पता है। तारतम भी एक बार में समझ में नहीं आए तो तारतम देख विचार के पीऊ लाए बेर दो, ऐसा कह के दो दो बार लाना पड़ा। चौथे दिन की लीला में जागृति नहीं हुई तो पांचवें दिन की लीला हुई। इसी तरह से पूज्य स्वामी जी के द्वारा जिस प्रसंग को यहाँ पर कहा गया, मैं उसी प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ, उसी प्रकरण की चर्चा है। प्रसंग चल रहा था हाँसी का, कि हाँसी किस बात की होनी है, कैसी कैसी होनी है और किस किस की होनी है। किसकी हंसी होनी है? सुंदर साथ की। सोचिए कि अभी हमने सुना श्यामा जी भी उस हंसी से नहीं बच रही हैं, इंद्रावती जी की भी हंसी होनी है, उन्होंने रास के पहले प्रकरण में ही कह दिया कि मैं तृण युद्ध की धा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी लई बस पोता ने करी। ऐसे अनेक प्रसंग है। इसी तरह से आज तक जितने भी परमहंस हुए सब में कोई ना कोई कहीं ना कहीं राज जी ने ऐसा रास्ता छोड़ा है। राज जी ने स्पष्ट कह दिया कि हाँसी ना हो से हुक्म पर है हाँसी रूहों पर। हम जो सुंदर साथ बार बार हुक्म को दोष देते हैं, हुक्म के नाम पर कुछ भी टाल देते हैं या हुक्म के नाम पर कुछ भी कर देते हैं कि राज्य का हुक्म हुआ तो हम ऐसा कह रहे हैं, या राज्य का हुक्म नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो राज्य ने स्पष्ट कर दिया कि हुक्म का यहाँ पर कुछ हाथ नहीं है। कहने को भले ही विनम्रता के भाव से हमारे जीव में अहंकार न आए इसलिए हम कह देते हैं कि राज जी के हुक्म से हमने ऐसा किया है, लेकिन जिस तरह से सारा फल हमारे जीव को मिलना है, सारी लज्जत हमारे आत्मा को मिलना है, इसी तरह से अगर दोष होगा तो वो भी हमें ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू कर दिया हमने। जब हम आनंद स्वयं ले रहे हैं, यदि हम समर्पित होते हैं, यदि हम समर्पण करते हैं, सेवा करते हैं, उसका आनंद किसे मिलेगा? हुक्म को कि हमें? हमें स्वयं मिलेगा ना। तो यदि हम गलत तरीके से कुछ करते हैं अथवा जो नहीं करना चाहिए वैसा करते हैं और जो करना चाहिए वैसा नहीं करते, तो उसका नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। और यदि हम जो नहीं करना चाहिए वैसा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हुक्म को दोष दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह की हाँसी है कि देखो जब कुछ अच्छा होता है तो वो तुम्हारे लिए होता है और जब कुछ गलत हो रहा होता है तो वो तुम हुक्म के ऊपर दोष दे देते हो। इसलिए ये हाँसी का प्रकरण है, जैसा कि हमने स्वामी जी के मुखारविंद से सुना कि हंसी से कोई भी बचने वाला नहीं है। और हंसी किस बात की? कि वैसे तो स्वामी जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, हमने सारे उदाहरण को समझा, यदि उन सभी उदाहरणों में एक और उदाहरण जोड़ना पड़े तो मैं इसको इस तरह से समझता हूं कि जैसे एक कोई क्रिकेट खिलाड़ी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, हर जगह पे उसकी वाहवाही हो रही है,
सामने से कोई अंडरडॉग टीम आती है, मतलब कमजोर टीम आती है, और उसका भी सबसे कमजोर बॉलर है, उसको देख करके बैट्समैन ये दावा करता है कि मैं तो युवराज सिंह के स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर की तरह इसके एक ओवर में 6 छक्के लगा दूंगा, 6 बॉल पे मैं 6 सिक्सर लगा दूंगा, ऐसा वो दावा करता है। सामने वो इशारा भी करता है अहंकार में भर करके, और उसके बाद पहले ही बॉल पे अगर हिट विकेट हो जाए, ऐसे वैसे आउट नहीं, हिट विकेट हो जाए, कैसा लगेगा? हंसी आएगी। मतलब क्या होगा कि दावा जितना बड़ा था, हकीकत उतनी ही खोखली निकली। कहते ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब 100 बात की 1 बात अगर कहनी हो तो हमने भी दावा ऐसा ही किया कि राज जी माया तो है अकेली, हम कितने हैं? 12,000। तो 12,000 के सामने एक माया क्या ही टिक पाएगी, माया हमारा क्या कर सकेगी? और क्या कहा, एक और बहुत बड़ा दावा किया, कौन सा? 100 बार देखो अजमाए के तो भी न भूले हम। पहली अजमाइश में ब्रज में हमने क्या किया कि तुम परपुरुष हो, तू कामी कछु न देखहीं पर सासुड़ी दिए मोहे घर। रास में जाने के बाद भी पूर्ण पहचान नहीं हुई, इस जागनी के ब्रह्मांड में बारंबार हमें पुकारा जा रहा है, जगाया जा रहा है। कहां तो दावा किया था कि 100 बार देखो सेंचुरी मारने का दावा किया था और हम 0 पे हम आउट हो गए। तो ये हमारी सबसे बड़ी हंसी है। अब उस हंसी से बचने के लिए करना क्या है कि इंद्रावती जी ने सावधान कर दिया है, क्योंकि अध्यात्म का जो रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता मतलब सुंदर साथ के हिसाब से समझने के लिए अगर कहें तो आत्म जागृति का जो रास्ता है उसमें सबको अलग अलग चलना होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कैसे चलना होता है? अलग अलग। ऐसा नहीं कि आपके बदले मैं चल दूं और आपकी मंजिल पूरी हो जाए, ऐसा हो सकता है? लेकिन हम ऐसा मानते हैं, तभी तो हम मंदिर आश्रम इत्यादि में फोन करके कहते हैं कि हमारे लिए पाठ रखवा देना, कहते हैं कि नहीं कि महाराज जी हमारे घर में ऐसा हो रहा है, हमारे नाम पे एक पाठ रखवा देना, हमारे नाम से ये कर देना, हमारे तरफ से प्रणाम सुना देना, है ना? एक औपचारिकता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई सुंदर साथ पन्ना जी गए होंगे तो हम में से भी कईयों ने कहा होगा कि हमारे तरफ से श्री जी को प्रणाम कर देना, जबकि श्री जी हमारे हृदय धाम में विराजमान है, किसी को माध्यम बना करके कहने की आवश्यकता तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अध्यात्म के रास्ते पर हम सबको इंडिविजुअली अलग अलग अकेले अकेले चलना होता है, हम सबकी यात्रा अलग अलग है, मंजिल भले ही एक हो सकती है लेकिन हम मान लेते हैं कि यात्रा हमारी एक जैसी होगी, हम किसी दूसरे से हमारी यात्रा पूरी करना चाहते हैं, तो ऐसे संभव नहीं है। अब मैं वापस मूल मुद्दे पर आता हूं। इंद्रावती जी ने इस प्रकरण की अंतिम चौपाई में कहा कि ए भूम हासी देख के आप होत सावचेत, आप सावधान हो जाना, आपको पता है कि ये हासी का ठौर है। पहली चौपाई में कह दिया, अगर पता होने के बावजूद भी आप उस विषय में सावधान नहीं हो रहे हैं तब तो और भी हासी होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप चल रहे हैं, आपने सामने देखा केले का छिलका पड़ा हुआ है और जानबूझकर के उसके ऊपर आपने पैर रख दिया, फिसल के गिर गए तो हंसी होगी ही ना। अनजाने में गिरता है तो क्या होगा, लोग सहायता देंगे, उसको उठाएंगे। जैसे स्वामी जी कह रहे थे ना, जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। अच्छा, जानबूझ करके गिरेंगे तो क्या होगा, लोग उल्टा डांटेंगे, है ना। अनजाने में गिर रहे तो चलो मलम पट्टी भी कर देंगे, लेकिन जानबूझ करके गिरने वाले को फिर क्या किया जाएगा, उल्टे डांट पड़ेगी। छोटा बच्चा होगा तो मम्मी पापा चाटा भी लगा देंगे। तो इंद्रावती जी ने कहा आप होत सावचेत, आपको क्या करना है, सावधान हो जाना है। और आगे कहते हैं मूल सुख कहे श्री महामती, कि मूल सुख क्या है, मूल सुख कहे श्री महामती तुमको जगाए के देत, कि
कि जागृत होने के बाद ही मूल सुख को पाया जा सकता है, वास्तविक सुख को। अब वास्तविक सुख का मतलब क्या है, किसको आप वास्तविक सुख कहेंगे? अभी शरद पूर्णिमा में धामधनी की कृपा से मुझे पन्ना जी में ब्रह्म चबूतरा में कुछ समय के लिए बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो वहां बात करते करते मेरे मन में अचानक से एक उदाहरण याद आया, तो मुझे लगता है कि इस प्रसंग में आप सबके बीच में साझा करूं। आपने बचपन में गुड्डे गुड्डियों का खेल खेला है? कभी खेला होगा, जब आप छोटे थे तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे छोटे छोटे लड़के लड़कियां बना देते हैं, बर्तन बना देते हैं ना, वो नारियल का जो होता है ना छिलका, उसके बर्तन बना देते हैं। आजकल तो रेडीमेड प्लास्टिक के आ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि मिट्टी को और वो कागज को अथवा पेड़ के पत्ते को उसमें डालते हैं और खाना बनाने का नाटक करते हैं, उसको खाने का भी नाटक करते हैं ना। अच्छा, बचपन में वो जो खेल खेल रहे थे वो भी एक खाना हुआ, खाने का हम नाटक कर रहे थे। एक है कि हमारे सामने भोजन परोसा हुआ है थाली में, तो उस थाली के भोजन को देखकर भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है, तो सुख उसमें भी मिल रहा है। और तीसरा कि हम उस भोजन को खा रहे हैं, तीनों में हम अलग अलग तरह का आनंद ले रहे थे कि नहीं। देखने का भी अलग आनंद है, खाने का तो है ही, और खाने का जो नाटक कर रहे थे उसमें आनंद है, उसमें नाटक का आनंद है, खाने का आनंद नहीं है। ठीक है, तो मूल सुख कौन सा हुआ? खाने का। और दूसरा सुख, देखने में सुख मिल रहा है, वो कौन सा हुआ? कि जैसे हम सुन रहे हैं कि परम धाम ऐसा है, हमने किरण माता जी के मुखारविंद से भी श्रृंगार की वाणी सुनी, दोपहर में भी हमने राज्य के श्रृंगार के विषय में सुना, अलग अनेक समय पर अलग अलग अवसरों पर हम चर्चनी के माध्यम से परम धाम के श्रृंगार का, परम धाम की शोभा का, वहां की अनेक लीलाओं का वर्णन सुनते हैं, तो उसमें भी एक तरह का आनंद है। सब अलग अलग तरह के आनंद हो गए, लेकिन मूल सुख कौन सा है? जो हम परम धाम में कर रहे थे। अच्छा, वही सुख यहां पर हम चितवनी में बैठे बैठे ले सकते हैं, लेकिन सुन करके जो आनंद मिलता है वो वैसा ही आनंद है जैसा भोजन सामने दिखने पर मिलता है। हम खा नहीं सकते, बस देखने में लग रहा है कि चलो अच्छा है। ठीक है, जैसे खेल के मैदान में कुछ खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो खिलाड़ियों को आनंद आ रहा होता है, कुछ लोग टीवी में देख रहे होते हैं उनको भी आनंद आ रहा होता है, कुछ लोग कमेंट्री सुन रहे होते हैं रेडियो में उनको भी आनंद आ रहा होता है, और कुछ लोग अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उस खेल के विषय में तो उनको भी अच्छा लगता है। तो वाणी में हम पढ़ रहे हैं ये वैसा ही है जैसे हम न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, या चर्चा सुन रहे हैं तो भी कमेंट्री सुन रहे हैं हम, चितवनी में आनंद ले रहे हैं वो आनंद है स्टेडियम में अथवा टीवी में देखने का आनंद, और परम धाम में पर आत्म में जागृत होने के बाद जो आनंद लेंगे वो खेलने का आनंद होगा। क्योंकि परम धाम में अभी तो हम क्या देख रहे हैं कि वहां पर ऐसी लीला होती है, यहां पर वैसी लीला होती है, लेकिन परम धाम में हम लीला करते हैं, तो करने में आनंद है कि वहां ऐसी लीला होती है ऐसा सुनने में आनंद है, करने में है ना। तो मूल सुख कौन सा हुआ? मूल सुख कहे श्री महामती तुमको जगाए के देत, जागृत होने के बाद परम धाम में जाकर जो सुख लेंगे उसको कहा जाता है मूल सुख। अब उस सुख को लेना कैसे है जी? मूल सुख कैसे लेंगे? चितवनी के द्वारा तो वो टेलीविजन वाला सुख ले रहे हैं, हम यहां से बैठे बैठे परम धाम की शोभा को देख रहे हैं, है ना। मूल सुख कैसे लेंगे? परम धाम में जागृत होने के बाद ले सकते हैं, है ना। आप कब जागृत हो रहे हैं? अब आपको कब लेना है? हाँ जी, आपकी जागृति कब होगी परम धाम में? हाँ जी, परम धाम का नाम ले, आपकी हालत यहां पर परम धाम जैसी हो गई है, चुपचाप। जागृति कैसे होगी परम धाम में, कोई तो बताइए।
इतने समय से वाणी सुन रहे हम, पौड़े भेले आगे खेल देखिया सबो एक, बाता करसी जुदी जुदी विध विध की विषेक। तो जागृति कैसे होगी, कब होगी, जब सभी ब्रह्म सृष्टियों की जागनी हो जाएगी। कौन करेगा, सब सुंदर सात की जागनी कौन करेगा? हाँ, राज्य आएंगे, अभी चौथे दिन में आए, पांचवें दिन में आए, हमारे लिए वाणी दे दी, बस राज्य का काम हो गया। अभी शुरुआत ही हमने की, ताते हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, अब फिर से हम राज्य को कह रहे हैं कि राज्य आएंगे जगाने के लिए। अब जागृति का काम किसका है, जागनी का काम किसका है? अच्छा, भजन तो जोर जोर से गाते हैं, छठा दिन मोमिनों का, तो मोमिन कौन है, आप हैं, फिर जागृति कौन करेगा, जागनी कौन करेगा, कौन करेगा, मोमिन कौन, हम जागनी करेंगे। कैसे कि कोई आ गया आपके गांव में चर्चा सुनने, बैठ गए, इतने से जागनी हो जाएगी? और मैं विशेष रूप से यहां के सुंदर साथ के लिए कह रहा हूं, मैंने आज तक किसी दूसरे जगह पर शायद ऐसा नहीं कहा होगा। फतेहपुर में मैं पहले से आता रहा हूं, है ना, अभी बीच में लगभग 5-6 साल से शायद नहीं आया हूं, या इससे थोड़ा ज्यादा समय हो गया होगा, नहीं तो इससे पहले मैं आया हूं। मैंने 2012 में यहां पर पूरे 1 महीने रह करके अभी तक की चर्चा भी की थी। एक विडंबना है, बुरा तो नहीं मानेंगे, मानना हो तो मान लेना, क्योंकि अपने घर के लोग हैं, आप भी बुरा मानेंगे तो एक बात देखी मैंने यहां पर, हो सकता है दूसरे जगह पे होगी तो वहां भी दिखेगी, तो वहां पे भी मैं बोलूंगा कि फतेहपुर के सुंदर साथ विशेष रूप से बाहर के स्थान में इतना ज्यादा नहीं निकलते, गांव से बाहर नहीं निकलते, या तो निकलते ही नहीं, और निकलते ही तो सीधे अमेरिका पहुंच जाते हैं, आसपास में नहीं रुकते। गलत तो नहीं कह रहा, हाँ जी, या तो निकलते ही नहीं, या तो बहुत दूर निकल जाते हैं। कर्तव्य क्या है हमारा, हमारी गलती कहां हो रही, हमारी हंसी कहां पर होने वाली है, कि हमने ये सोच लिया कि ये जो जागने का काम है, पौड़े भेले जागसी भेले, वो काम महाराजों का है, वो काम चर्चा करने वालों का है। हमारा काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा कि हम थोड़ा दूर निकल गए हैं तो वहां से थोड़ा बहुत आर्थिक सेवा भेज देंगे, है ना। ये कड़वा सच है कि हम पैसे की सेवा तो कर लेते हैं, आर्थिक सेवा हम कर लेते हैं, इसके अलावा दूसरी चीजों में हम इन्वॉल्व नहीं होते, हम नहीं लगते। और यहां तक कि फतेहपुर में चर्चा होती रहती है, मंदिर भी है अपना, है ना, ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं होती होगी, लेकिन यहां अगर चर्चा हो भी रही तो बाहर के सुंदर साथ को बहुत कम जानकारी मिलती है। एक सुंदर साथ है, फेसबुक पेज चलाते हैं, और वो फेसबुक में कभी कभी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, मैं देखता हूं, उसके अलावा और कोई कहीं किसी सुंदर साथ से जुड़ना मैंने नहीं देखा है अब तक। अगर किसी 2-4 सुंदर साथ से संपर्क हो तो होगी, वो अलग बात है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि यहाँ के हम सुंदर साथ जागनी के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे। परोक्ष रूप से जुड़े हुए तो वो तो पूरी दुनिया के सुंदर साथ हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से चलो बोल दिया कि तुम्हें अगर राज्य के बारे में जानना है तो ये देखो वो देखो ये पढ़ो वो पढ़ो, एक आध लोगों को बोल दिया वो परोक्ष रूप से। लेकिन अब जो समय चल रहा है अब ऐसे नहीं चलेगा, अब इस तरह से जागनी नहीं होने वाली है, ये तो कछुए की चाल हो गई। कछुए की चाल चल करके तो अभी 3-4 साल पहले हमने 400वीं शताब्दी मनाई है ना, चौथी शताब्दी मनाई, 400 साल मनाया हमने, अलग अलग जगह पर हम गाड़ी लेकर के चले। ये खुशी का विषय है कि दुख का विषय है, दुख का विषय होना चाहिए कि श्री जी हमारे आंखों से ओझल हो गए, राजी हमें जगा करके हमसे ओझल हो गए, और उसके 400 साल के बाद भी हम क्या मना रहे, उत्सव, यही तो कह रहे हैं ना, हम प्राकट्य महोत्सव मना रहे हैं हम, तो ये उत्सव मनाने का अवसर है कि दुख मनाने का अवसर है? कि सुनो दुनिया वालों, कितनी खुशी की बात है कि 400 साल तक भी हम नहीं जाग पा रहे, देख रहे हो, ये खुशी है कि दुख है? तो कछुए की तरह चल करके यदि हम इस तरह से करते रहेंगे तो 400 क्या,
4000 वर्ष भी यहीं पर हम मनाते रहेंगे और अज्ञानता मूलक तरीके से, मैं मूर्खता पूर्ण नहीं कहना चाहता, अज्ञानता पूर्ण तरीके से हम वही 40000 मनाते जाएंगे। इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि जो भी सुंदर साथ जागनी अभियान के नाम पर, मतलब वाणी के प्रचार प्रसार के नाम पर निकल रहे हैं, उनके साथ हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएं। प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का तात्पर्य मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग 100 दिवसीय कार्यक्रम में घर बार छोड़ करके निकल लिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा। निकल सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम आपके आसपास के क्षेत्र में, और यहां जो लाइव मुझे सुन रहे हैं आपके लिए भी, कि जहां ये जो अभियान पहुंच रहा है, जहां वाणी की चर्चा पहुंचने वाली है, वहां कम से कम सुंदर साथ के अतिरिक्त किसी और को भी तो खबर होनी चाहिए, पता तो चले। अभी तो यहां क्या हो रहा है, एक कहावत कही जाती है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पता चला अच्छा प्राणनाथ जी आए, ब्रह्म सृष्टियों को लिया और चले गए। कैसे पता? आपके गांव में वाणी की चर्चा हो रही है, दुनिया को कैसे पता? हमारे यहां मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जो पहली बार चर्चा सुन रहा होगा। हम में से तो, आप में से तो बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से हम वाणी चर्चा सुन रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारी अवस्था तो कौन सी होनी चाहिए थी? यदि हम सेवा पूजा की एक चौपाई को भी आत्मसात कर लें, मैं ये चौपाई में बार बार कहता हूं, समय थोड़ा 5-7 मिनट ऊपर तो चलेगा, वैसे 7 मिनट है मेरे पास, कोशिश करूंगा कि उतने में हो जाए। सेवा पूजा में हम एक चौपाई कहते हैं, हंसी का विषय, हाँ सबसे बड़ी हंसी हमारे लिए, तुम सतगुरु, पूरा बोलना साथ में, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। अब मैं इसकी व्याख्या करता हूं, आप जवाब देते जाना आप, ठीक है? किसी के मुंह में कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक है? इसका अर्थ क्या होता है कि सतगुरु महाराज आप दीपक के समान हैं और आपने हमें कैसा कर दिया है, अपने समान कर दिया है। अच्छा अब एक मिनट के लिए मान लेते हैं, हो सकता है कि सबने अलग अलग व्यक्ति से तारतम्य लिया होगा, लेकिन उदाहरण के लिए हमने सदगुरु माना सरकार श्री को, पूज्य सरकार श्री को हमने सदगुरु माना। अब मैं उस चौपाई को घटाता हूं हमारे जीवन में और सरकार श्री के जीवन में, सदगुरु हमारे सरकार श्री और हम हुए वे वो दीपक जिसको उन्होंने जलाया है। दोनों दीपक एक जैसे होने चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हमारा दीपक उस दीपक जैसा है, या क्या उनका दीपक हमारे वाले दीपक जैसा है? इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हमारे सतगुरु झूठे क्योंकि हम झूठे हैं, हमारे जैसा है वो दीपक तो वो भी झूठा ही होगा, है ना? समझ में आ रही है कि या तो हमारे सदगुरु झूठे हो गए या हम झूठे हो गए, और तीसरा विकल्प बचता है कि या तो वो चौपाई झूठी हो गई। अब बताइए, चौपाई झूठी है, सदगुरु झूठे हैं, कौन झूठा, कौन झूठा? अच्छा अब इसका मतलब ये कि सरकार से ने दीपक नहीं जलाया, फिर कौन झूठा? सदगुरु झूठे नहीं, फिर उस दीपक का क्या हुआ, कहां गया वो दीपक? नहीं बुझा तो नहीं है। सरकार श्री ने दीपक जलाया था, हमने उसको लालटेन बनाया। लालटेन क्या होता है? लालटेन तो पता है ना, लैंप। उसमें कुछ समय के बाद में ना वो उसी दीपक का धुआं चारों तरफ ऐसे चढ़ जाता है कि उसका प्रकाश खुद से बाहर नहीं जाता है। हमें सरकार श्री ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हमने अपने तक ही सीमित रखा। करना क्या है, लालटेन बनना है कि दीपक बनना है? तुम सतगुरु लालटेन भय तो नहीं कहा है? यदि हमें चौपाई और सतगुरु को सच्चा साबित करना है
तो हमें लालटेन नहीं, हमें वो दीपक बनना होगा, या अगर लालटेन बनना भी है तो हमें उस मैल को हटाना होगा ताकि हमारे प्रकाश से दूसरे भी लोग प्रकाशित हो सके। वरना ये हमारे लिए हंसी की बात होगी कि हम चौपाई को भी झूठा साबित कर रहे हैं और अपने सद्गुरु को झूठा साबित कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, आगे डील किया जाए। अब बताइए मन ही मन निश्चित करके कि इस जागने की सेवा में, इसका मतलब मैं 100 दिन की बात नहीं कर रहा, लक्ष्य बहुत बड़ा है, 100 दिन तो एक माइलस्टोन है कि देखते हैं कि इस आने वाले 100 दिन में सुंदर साथ आगे भविष्य में होने वाले बड़े काम के लिए कितना तैयार है। इसको समझ लीजिए, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है और अभी वार्म अप मैच चल रहा है कुछ दिन पहले से, तो ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड कप से पहले की तैयारी है, तो दिखना चाहिए ना कि हमारे टीम में कितने खिलाड़ी हैं, कितने स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। कोई चोट का बहाना करके छुट्टी ले लेता है, या फिर कोई छुट्टी में से कहता है कि नहीं मुझे अपने देश के लिए खेलना है, यहां हमारा वतन। तो अब ये आपके हाथ में है कि केवल सद्गुरु महाराज के द्वारा मिले हुए प्रकाश को, सद्गुरु के द्वारा जलाए गए इस दीपक को अपने तक ही सीमित रखते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे सद्गुरु झूठे साबित ना हो, वह चौपाई झूठी साबित ना हो, तो हमें स्वयं भी एक गांव की परिधि से, एक क्षेत्र की परिधि से, किसी स्थानवाद की परिधि से बाहर निकलना होगा। जागने का उत्तरदायित्व केवल महाराज का है, प्रचारक का है, मंच पर बैठ करके चर्चा करने वाले संत महात्मा साधुओं का है। इस गलत अवधारणा से बाहर निकलना होगा और सबको अपने अपने स्तर से योगदान देना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो भविष्य में जिस काम को हम करने वाले हैं उस काम में बल मिलेगा। दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से सुंदर साथ की जागनी होगी ब्रह्म सृष्टियों तक, क्योंकि एक भी आत्मा अगर रुकी तब भी ट्रेन तो नहीं चलने वाली है। आप सोच रहे हैं कि हमारा क्या है, हमने तो तारतम ले लिया, हमारी जागृति हो गई, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, खड़ी है, पटरी पर है, हम जाकर के बैठ जाएंगे। नहीं, आपके जाने से ट्रेन नहीं चलेगी। ये ऐसा VIP ट्रेन है कि इसमें सभी पैसेंजर VIP है। किसी ट्रेन में तो ऐसा होता है ना कि VIP आ गया, VIP के लिए रोक लेते हैं, वो आ गया तो चालू हो जाती है, ऐसा नहीं। यहां हर पैसेंजर VIP है, किसी एक को छोड़कर के ये ट्रेन जा ही नहीं सकती। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें ट्रेन जल्दी चलाना है, तो आप वापस उतर के जाएंगे और जो दूसरा पैसेंजर इधर उधर मार्केट में भटक रहा है ना, उसको पकड़ करके लेके जाएंगे कि तेरी वजह से देरी हो रही है। तब करना क्या है, वेटिंग रूम में जाके बैठना है, या फिर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी वेटिंग रूम में बैठ के जाना चाहता होगा, क्योंकि वो अर्जी करते हैं ना शाम को 4:30 बजे के आसपास, उसमें क्या करते हैं, पिया जी धनी जी खेल को बस करो, ट्रेन को चालू करो। अगर ट्रेन को चालू करना है तो पैसेंजर को ढूंढ करके लाइए, ट्रेन में बैठाइए, वहां ड्राइवर तैयार है। ठीक है, तो इसलिए सभी सुंदर साथ से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि जागनी के इस दौर में जो यज्ञ जल रहा है, जो लकड़ियां जल रही है, इसमें हम एक तरह से आहुति बने, अपने अपने क्षेत्र में जो योगदान दे सकते हैं। यदि कोई शरीर से सेवा कर सकता है कि अब मैं घर के कामकाज से रिटायर्ड हो चुका हूं और मैं यहां शरीर से योगदान देना चाहता हूं, मैं साथ साथ में जो भी आवश्यकता हो वो पूरी करना चाहता हूं, जो भी सेवा की जरूरत हो, तो ऐसे लोग इस तरह से सेवा करें। जिनको ये लगता है कि नहीं अभी मैं घर बार छोड़कर के तो नहीं जा सकता, लौकिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन जिस तरह से राजाराम और झाझन भाई घर में रहते हुए भी, घर का सारा काम करते हुए भी, श्री जी को जो भी आर्थिक आवश्यकता पड़ी उस समय में उन्होंने पूरी की, इस तरह से हम भी अपने घर की जिम्मेदारी भी पूरी करेंगे, उन जरूरतों को भी पूरी करेंगे और सेवा के मार्ग में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए हम आर्थिक योगदान देंगे, तो वो उस तरह से योगदान दें।
यदि कोई व्यक्ति बौद्धिक दृष्टिकोण से संपन्न है, अर्थात कोई बोल करके किसी को समझा सकता है, उसके अंदर बोलने की कला है, ज्ञान ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, तो वो बोल करके, और बोलने का मतलब ये जरूरी नहीं कि माइक पकड़ करके ही बैठना है। अगर माइक में बोल सकते हैं 1000 लोगों के बीच में तो वो भी उत्तम है, अगर 10 लोगों के बीच में बैठा करके फेस टू फेस सामने वालों की शंकाओं का समाधान कर सकते हैं तो वो भी उत्तम है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, एक दिन का कार्यक्रम हुआ, लोगों के मन में जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा का समाधान कैसे होगा, श्री जी ने बड़ी पाती में उत्तर दिया कि जब तक घुटने से घुटना बांध करके आमने सामने बैठ करके सवाल जवाब नहीं होते तब तक किसी की जिज्ञासा समाप्त नहीं होती, और बिना जिज्ञासा समाप्ति के कोई आपकी बात को कैसे मानेगा। तो यदि कोई ऐसे जाग नहीं कर सकता है तो ऐसे करे। अच्छा, किसी को लगता है कि नहीं मैं वैसे भी नहीं कर सकता, मुझे बोलने में झिझक हो सकती है, मैं लिख सकता हूं अथवा लिखे हुए मैसेज को, अगर मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हूं, मैं लिखे हुए मैसेज को अलग अलग लोगों में पहुंचा सकता हूं, तो जैसे फेसबुक से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, प्लेटफॉर्म हैं, उनके माध्यम से हम लिंक को शेयर करके हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, वाणी, जैसे सोचिए कि दुनिया में जिनको बोलने की तमीज नहीं है, कुछ बोलना नहीं आता ढंग का, वो भी उटपटांग हरकत करके वायरल हो जाते हैं। यदि हमारी वाणी की, हमारी चर्चा की एक वीडियो भी अगर वायरल हो गई, लाखों लोगों तक पहुंच गए और उनमें से कोई ब्रह्मात्मा जगी, यदि, तो सोचिए कि सोशल मीडिया क्या कुछ नहीं कर सकता। किसी को रातों रात स्टार बना सकता है तो वाणी को जन जन तक नहीं पहुंचा सकता। तो ये मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि हम जागनी में कैसे प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए हम सब अपने अपने क्षेत्र में तैयार हों। अच्छा, कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई बड़े पद पर है, मान लीजिए कोई स्कूल में प्रिंसिपल है, टीचर है, या मान लीजिए कि गांव में कोई सरपंच है, मुखिया है, तो वो इतना कर सकता है कि हमें गांव में आध्यात्मिक कोई कार्यक्रम करना है, स्कूल में कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम करना है, ऐसा कह करके लोगों को एकत्रित तो कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, और किसी प्रचारक को, किसी प्रवक्ता को, महात्मा को बुला करके उनको, उन तक प्राणनाथ जी की वाणी को पहुंचा सकता है। यदि करना चाहे तो हजारों तरीके मिल जाते हैं, और करना न चाहे तो हजारों बहाने भी मिल जाते हैं। अब वो हमारे हाथ में है कि बहाने मार करके हंसी कराते हैं, या वो भी, ये भी हमारे हाथ में है कि तरीकों को अपना करके हंसी से बचने का प्रयास करते हैं। बस इतना ही कहते हुए अब मेरा समय पूरा होता है। सभी सुंदर साथ से एक बार फिर जागनी के इस अभियान में जुड़ने का आह्वान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।